बहराइच में एक बार फिर से खौफनाक भेड़िए का हमला देखने को मिला है। वन विभाग ने 6 भेड़ियों को कैमरे में कैद किया था, जिसमें से 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। अब केवल एक ही ऐसा भेड़िया है जिसे पिंजरे में बंद करने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। अब उसी भेड़िए ने गाँव वालों को अपना निशाना बनाया है। जिले के महसी इलाके के अलग अलग गाँव में भेड़िए ने हमला कर 2 महिलाओं को घायल कर दिया। दोनों पीड़ितों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। 48 घंटे में भेड़िए का 5वां हमला बताया जा रहा है। पहली वारदात शुक्रवार रात सिंधिया नसीरपुर की है। 27 साल की गुड़िया भेड़िया का पहला शिकार बनी। पीड़ित अपने बच्चों और पति के साथ घर के आंगन में सो रही थी। इस दौरान भेड़िए ने दस्तक दी, महिला पर हमला किया और वो घायल हो गई। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग महिला के घर की तरफ दौड़े, तभी भेड़िया मक्के के खेत में भाग गया। बच्चे को हाँ। 2 लड़के थे, हम जैसा सोया था तैसा हमको भेड़िया दाब लिया, तो हमने चिल्लाया तो पति हमारे देवर लोग सब उठे, तो लोग सब भाग के आ गए, तो ले भेड़िया निकल के मकई में पिल गए, पीछे मकई है। तो अब डर लगता है आपको दोबारा? डर तो लगता है साहेब। हमारे मामी और 2 लड़के, एक ये लड़के 1 साल के, 1 8 साल के लड़के, ने लेटे थे नीचे और हमारा मामा ऊपर 4-5 से लेटा था और भेड़िया आया, बच्चे को खाने चला। हमारी मामी बच्चे को बचाने के चक्कर में अब उसका मुंह नोच लिया, यहाँ पर जख्म है ज्यादा, यहाँ पर है और फिर यहाँ 2-3 नाखून लग गए, ज्यादा चोट लग गई, खून बहुत गिरा है। बच्चे को चोट नहीं लगा है, पर खून माँ का गिरा है तो बच्चे पे सब पड़ा है। बच्चे को बचाने के चक्कर में उसके माँ को बहुत गहरा घाव लग गया है। दूसरी वारदात महसी के सम्मनपुरवा गांव में की है। यहां भेड़िए ने 35 साल की मुकिमुन को अपना शिकार बनाया। महिला उस समय सो रही थी जब भेड़िए ने हमला किया। मुकिमुन भी बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। मेरा नाम जहीरुद्दीन है, मैं सम्मनपुरवा महसी का रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम मुकिमुन निशा है, उन्हीं के ऊपर हमला किया है। मेरी माँ जो है रात में तकरीबन 2 बजे टॉयलेट के लिए निकली थी बाहर, तो उसी दरमियान में भेड़िए ने हमला किया है उनके ऊपर। यहाँ गर्दन के ऊपर एक तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा खून बह रहा था, और एक तरफ जो है दांत लगे हुए हैं उसके भेड़िए। अब फिलहाल जो है इमरजेंसी में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। हाँ, रात में 2 बजे रात का हाँ, हमारे चाची का हाँ, भेड़िया काटी से कनगुदी में है। वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको एक अपडेट दे देते हैं। दरअसल 2 दिन पहले वन विभाग में 5वें भेड़िए को पकड़ा था। वीडियो में देखे गए 6 भेड़ियों के झुंड में से अब केवल एक ही भेड़िया बचा है, जो वन विभाग की कैद से बाहर है। बाकी भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद से ये भेड़िया ज्यादा हमलावर हो गया है। भेड़ियों के हमले का ये सिलसिला पिछले 2 महीने से बेहद ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में वन विभाग एक्शन मोड में है और 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। अब देखना होगा कि आखिरी भेड़िया कब पकड़ा जाता है और कब गांव वाले फिर से चैन की नींद सो सकेंगे।